हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जिस इन्फॉर्मेशन का बहुत सारे बच्चों को काफ़ी टाइम से वेट रहता है कि मैम, बीएससी नर्सिंग में अगर हमको एफएमसी से बीएससी नर्सिंग करनी है तो उसके लिए हमारे जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होंगे। एंड ये वीडियो हमारे स्पेशली उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल होने वाली है जिन बच्चों को लगता है कि उनका नीट में स्कोर इतना अच्छा नहीं बन रहा है कि उनको एमबीबीएस नहीं मिल पाएगा, एंड वो बीडीएस हो, बीएमएस हो, ऐसे कोर्सेज में नहीं जाना चाहते। सो वो फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम। इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आप लोगों को एक अलग से फॉर्म फिल करना पड़ता है, एंड जिसके कुछ अगेन प्रोसीजर्स रहते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के रिगार्डिंग, जिसका एग्जाम खुद से ऑब्वियसली नीट के थ्रू होता है। कि फर्स्ट इनकी कंडीशन ये रहते हैं कि आपको नीट को क्वालिफाई करना है, देन उसके बाद इनके कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट रहते हैं। वो स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, क्या इनकी एलिजिबिलिटी है, सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। सो अगर आज आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जैसे कि बेटा, आप लोगों को पता है कि जो एएफएमसी का ये वेबसाइट है, इन्होंने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, एंड इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैं आप लोगों को एक बार पढ़ के बता देती हूँ कि इन्होंने क्या क्या इसके अंदर बताया। सबसे पहली कंडीशन इन्होंने लिखा हुआ है कि ये मैंडेटरी है आप लोगों के लिए कि आपको नीट यूजी का जो एग्जाम है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। उसके लिए एक मिनिमम मार्क्स रहते हैं। मिनिमम मार्क्स अगर आप मान के चलो, अगर आपका जो स्कोर है नीट में 550 तक, आप जनरल कैटेगरी हो, किसी भी कैटेगरी से हो, तो आप लोगों को एमएनएस के अंदर सीट मिल सकता है। और एमएनएस की बेस्ट चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज और एएफएमसी से नर्सिंग करने में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे नर्सिंग करने में बेस्ट डिफरेंस ये रहता है कि यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली नर्सिंग ऑफिसर का टैग आप लोगों को मिल जाता है। अब बच्चे बोलेंगे, मैम वो तो एम्स बीएससी नर्सिंग करते हैं, उसके बाद आपको नॉर्सिट का एग्जाम देना होता है तब आप नर्सिंग ऑफिसर कहलाते हैं। बट यहाँ पे बीएससी नर्सिंग करते ही आप लोग नर्सिंग ऑफिसर का टैग आपको मिल जाता है, एंड खुद मिलिट्री एज अ मिलिट्री आप लोगों को वहां पे एज अ स्टूडेंट की तरह टैग नहीं किया जाता, वहां पे एज अ कैडेट की तरह आप लोगों को डील किया जाता है। सो दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज्यादा रिप्यूटेड पोस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि इसके लिए नीट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए, एंड इसको रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए दिस इज द वेबसाइट, मैं वीडियो थोड़ा छोटा करके बताती हूँ, jointindiaarmy.nic.in। अभी वेबसाइट में आप लोगों को खोल के भी दिखाऊंगी, ये आप लोगों की वेबसाइट है। देन इनका स्क्रीनिंग प्रोसीजर रहता है, वो स्क्रीनिंग प्रोसीजर के लिए बेस हॉस्पिटल चाहिए दिल्ली का ही, वो आपको पता चल जाएगा। बट अगेन, शॉर्टलिस्ट होने के बाद आप इसमें रजिस्टर करेंगे, अपना पूरा नीट का डिटेल्स जो भी चीजें हैं सब फिल करेंगे, देन आपका ये जो एनडीए की वेबसाइट है ये आपका क्या करेगी, इसको शॉर्टलिस्ट करेगी। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका नाम आएगा, देन आपको स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स के लिए जाना होगा। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अनमैरिड फीमेल हो, डिवोर्स हो, लीगली सेपरेट हुआ है वो कर सकती है। नेशनैलिटी सिर्फ इंडियन आपका होना चाहिए, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1999 और 2007 के बीच का होना चाहिए, और ये दोनों डेट्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दया सिंह, आपने अपनी 12th फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास की हो, 10+2, और आपका जो मिनिमम एग्रीगेट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इंग्लिश का 50% से कम नहीं होना चाहिए। आप लोगों को कल ही सीबीएसई का रिजल्ट अनाउंस हुआ, तो उस बेसिस पे यू कैन जज कि आप लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। देन इसके बाद इनका कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स रहता है, ये बहुत ध्यान से समझ लेना बेटा, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मेडिकल फिटनेस आप लोगों का जो है वो प्रॉपरली डिसाइड होगा, लेकिन यहाँ पे एक मिनिमम हाइट क्राइटेरिया है कि जो फीमेल है उसकी हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई फीमेल हिली या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से है, उसकी जो मिनिमम हाइट है वो 147 है, ठीक है। एंड एलोवेंस फॉर द ग्रोथ ऑफ 0.2 सेंटीमीटर दिया जाएगा अगर कोई फीमेल 18 इयर्स की कम है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। 18 साल से कम आपकी एज है 17 हो तो 2 सेंटीमीटर, बिकॉज वहां पे चांसेस रहता है बढ़ जाएगी आपकी हाइट, तो इसलिए 2 सेंटीमीटर का आप लोगों को रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ये ध्यान रखना है, 152 सेंटीमीटर, 142 सेंटीमीटर। एससी एसटी कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपके पास आपका प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू रिलीज किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट, एनसीसी कैंडिडेट है, अगेन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्क्रीनिंग प्रोसीजर क्या रहता है, स्क्रीनिंग प्रोसीजर को ध्यान से देखना। सबसे पहला प्रोसीजर होता है आपका नीट 2024 में जो भी स्कोर रहेगा
उस स्कोर के बेसिस पे आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन शॉर्टलिस्ट की जो लिस्ट है वो आप लोगों को इनकी इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। देन उन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को आगे कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स देने होंगे, जैसे आपका TO/GIGE एग्जाम है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट है एंड देन एक पर्सनल इंटरव्यू है। अभी इंटरव्यू के लिए टेंशन मत लेना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। रिक्वेस्ट, अगर आप कोई भी डेट चेंज के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। डॉक्यूमेंट, जितने भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं उन सबका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DHDC के टाइम पे ही होगा, जब आप लोगों को सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं ये TO/GIGE जो टेस्ट है, ये क्या है? दिस इज टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस। इसमें आपकी जनरल इंटेलिजेंस देखी जाएगी, आपकी जनरल इंग्लिश देखी जाएगी, CBT मोड में होगा, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, 40 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 80 मार्क्स के होंगे, तो 80 मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 की। 40 क्वेश्चंस विल बी रिक्वायर्ड टू बी आंसर्ड इन 30 मिनट। 40 क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को 30 मिनट मिलेंगे, तो 80 क्वेश्चन करने के लिए मतलब 40 क्वेश्चन है ना यहाँ पे मिनिमम वो 80 मार्क्स का है, तो आधे घंटे का आप लोगों का टेस्ट है। बहुत सिंपल सा होता है, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, आई कैन प्रोवाइड यू। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट या फिर इंटरव्यू। जितने भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो TO/GIGE से शॉर्टलिस्ट होकर आएंगे उनका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, इंटरव्यू होगा। अगेन कोई बेस हॉस्पिटल आप लोगों को अलॉट कर दिया जाएगा, क्वेश्चन आप लोगों से इधर उधर के नहीं पूछे जाएंगे, आपके 12 सब्जेक्ट वाइज नॉलेज आपकी चेक की जाएगी, आपका करंट अफेयर, आपका इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे, तो इसकी टेंशन आप लोगों को ज्यादा नहीं लेनी है। नेक्स्ट, वेटेज विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इंटरव्यू फॉर अचीवमेंट। अगर आपने कोई स्टेट लेवल पे कोई एग्जाम दिया है या आप स्पोर्ट्स में अच्छे थे, कुछ इस टाइप की एक्टिविटी, तो उनको एक अलग से वेटेज भी प्रोवाइड किया जाएगा। इन सब को होने के बाद आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसके अंदर अगर आप मेडिकली एग्जामिन में मेडिकली फिट नहीं मिले तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इनके लिए कुछ कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि आपको कोई डिसीज नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत नॉर्मल से होता है, इसकी ज्यादा टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी। ये हो गया आपका। देन इसके बाद आता है फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन में कैसे आप लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा कि आपको FMC के अंदर सीट मिला या नहीं मिला है? सबसे पहले NEET 2024 का स्कोर के बेसिस पे, TO/GIGE का 80 नंबर का जो पेपर हो उसके बेसिस, साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू, देन आपका मेडिकल फिटनेस, इन सब के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी कि आप लोगों को कौन कौन सी सीट अवेलेबल हुई, अब कौन कौन सा कॉलेज यहाँ पे है। मैं आप लोगों को टोटल कॉलेज एंड सीट भी यहाँ पे बता रही हूँ। दिस इज द डेटा। सबसे पहले आता है AFMC पुणे, 40 सीट जिसके अंदर अवेलेबल है। देन आपका CON आपका कोलकाता, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, 30 सीट्स है। इसी के अंदर अब आप लोगों का ABVMU भी ऐड हो गया, ABVMU लखनऊ के अंदर भी। अगेन यहाँ पे कितनी सीट्स आ गई? अगेन यहाँ पे ABVMU की 40 सीट्स आ गई हैं। सीवन बैंगलोर के अंदर भी राजीव गांधी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस 40 है, तो टोटल 220 सीट्स इसके अंदर अवेलेबल है। ये हमारे पास 6 इंस्टीट्यूट है जिनमें से किसी के भी अंदर ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ आप लोगों को सीट अलॉटमेंट होगा। आई होप इतनी चीजें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आप लोगों को कोर्स अगर विथड्रॉ करना चाहते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। अभी नेक्स्ट चीज हम आ जाते हैं कि आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए बेटा सिंपली आप लोगों को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ठीक है? ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है jointindiaarmy.nic.in। इसमें जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको बोलेंगे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सारी डिटेल्स आप लोगों से मांगी जाएंगी। अब आपके पास अगर ये सारी डिटेल्स हैं आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। देन कंटिन्यू करने के बाद एंड में आके यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। देन आपसे बोल रहे हैं कि आप अपनी यहाँ पे कौन सी पर्सनल डिटेल्स देना चाहते हैं, आधार नंबर देना चाहते हैं या फिर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। लेट सपोज मैंने अपना आधार नंबर दे दिया तो ये ओके करा। अब आधार कार्ड के लिए दे आर सेइंग कि आपके पास एक प्रॉपर डिजी लॉकर होना चाहिए। देखो तो मैं हर एक बच्चे को सजेस्ट करूंगी कि इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करने से पहले आप लोग अपना डिजी लॉकर का अकाउंट बना लो। डिजी लॉकर में कुछ नहीं होता है, आपको अपने फोन में डिजी लॉकर ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक है? वहां पे अपने आधार कार्ड है आपका, 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, वो आपसे रोल नंबर मांगेंगे और खुद से आपका उसमें सर्टिफिकेट बन के, आपको कोई स्कैन करके कॉपीज नहीं डालना है, आधार कार्ड का नंबर डालना है, कोड आएगा आपके जस्ट आधार कार्ड से जो नंबर लिंक है उस पर अप्लाई हो जाएगा।
टेंथ का सर्टिफिकेट का आपका रोल नंबर डालोगे खुद आ जाएगा, ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट का रोल नंबर डालोगे खुद आ जाएगा, सिर्फ आपको अपने डिजी लॉकर की यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड करानी है, ये डिजी लॉकर से खुद फैच कर लेगा। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये फैच फ्रॉम डिजी लॉकर आएगा, अभी मुझसे मेरा आधार नंबर मांग रहा है, देन ये डिटेल्स यहाँ पे फिर नेक्स्ट करके और आगे अपनी सारी के सारी डिटेल्स आप एज इट इज फिल करते चले। ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड मैं बोलूंगी हर एक फीमेल कैंडिडेट को, इसका जो एप्लीकेशन फीस रहता है बेटा, इसका एप्लीकेशन फीस सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज रहता है। 200 रुपीज इसका एप्लीकेशन फीस है। इसके अंदर हर फीमेल कैंडिडेट जिसका नीट के अंदर स्कोर बन रहा है 350+, उसको अप्लाई करना ही करना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आपको मिलेगी, कोई नॉर्मल बीएससी कोर्स करोगे उससे तो बहुत ज्यादा बेटर है ये, अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते। सो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगा। सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।